आइए हम निर्गमन की पुस्तक उसके 26 अध्याय उसके 15 से 19 पद को पढ़ें, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर निवास को खड़ा करने के लिए बबूल की लकड़ी के तख्ते बनवाना। एक एक तख्ते की लंबाई 10 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ की हो। एक एक तख्ते में एक दूसरे से जोड़ी हुई दो दो चूल्हे हो। निवास के सब तख्तों को भी इसी भांति से बनवाना। और निवास के लिए जो तख्ते तू बनवाएगा उनमें से 20 तख्ते तो दक्षिण की ओर के लिए हो, और 20 तख्तों के नीचे चांदी की 40 कुर्सियां बनवाना, अर्थात एक एक तख्ते के नीचे उसके चूलों के लिए दो दो कुर्सियां। मित्रों, ये तख्ते सभी कठोर बबूल की लकड़ी के बने थे और वास्तव में ये नष्ट होने वाले नहीं थे। ये तख्ते सोने से मढ़े हुए थे। प्रत्येक ओर 30 तख्ते तथा तंबू के पीछे और 10 थे। कहीं कहीं पर वे एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए थे, परंतु इससे तंबू सही शक्ल में बनता था। तख्तों में कड़े जड़े हुए थे और उन छल्लों के बीच से बेड़े गुजरते थे जो तंबू को ठीक तरह से संभालते थे। मित्रों, तंबू की प्रत्येक वस्तुएं यीशु ख्रीस्त के कार्य अथवा व्यक्तित्व का वर्णन करते हैं। प्रत्येक पर्दे, प्रत्येक धागा, डोरी, साज सज्जा का सामान मुक्तिदाता के किसी न किसी पक्ष की चर्चा करते हैं। जैसे बेड़े तंबू को एकत्रित किए थे, उसी प्रकार ईश्वर की पवित्र आत्मा विश्वासियों को वर्तमान में जोड़े हुए है। विश्वासियों को पवित्र आत्मा द्वारा ही जुड़ना चाहिए। वास्तव में विश्वासी लोगों को मेल के बंध में आत्मा की एकता बनाए रखने का आदेश है। मिलाप वाले तंबू को ढकने वाले पर्दे विभिन्न रंग के थे। प्रत्येक का अपना विशेष महत्व है। नीला रंग स्वर्ग का रंग है। लोहित रंग ख्रीष्ट के रक्त का रंग है। नीले और लाल रंग के मिश्रण से जामुनी रंग महायाजक या राजकीय रंग है। नीला और लोहित रंग आकाश का और पृथ्वी को छूने को दर्शाता है, या ख्रीष्ट के मानव रूप को भी। बैंगनी रंग उसके यहूदियों के राजा की ओर संकेत करता है। तख्ते, बेड़े, कुंदे स्वर्ण से मढ़े हुए सभी प्रभु यीशु ख्रीष्ट के ईश्वरत्व का दर्शन कराते हैं। हम निर्गमन 26 उसके 31 और 32 पद में आगे पढ़ते हैं, जहाँ पर लिखा है, फिर नीले, बैजनी और लाल रंग के और बटी हुई सूक्ष्म सनी वाले कपड़े का एक बीच वाला पर्दा बनवाना। वह कढ़ाई के काम किए हुए करुबों के साथ बने और उसको सोने से मढ़े हुए बबूल के चार खंभों पर लटकाना। इनकी अंकड़ियां सोने की हो और ये चांदी की चार कुर्सियों पर खड़ी रहें। मित्रों, चारों खंभों पर लटके हुए पर्दे मसीह के मानव होने की ओर संकेत देते हैं। ये खंभे बबूल की लकड़ी के सोने से मढ़े हुए तथा चांदी के चूल्हों पर जड़े थे। इससे प्रकट होता है कि ईश्वरत्व धरती पर छुटकारा के द्वारा ही उसे संभाले हुए है। इन खंभों के ऊपर कोई शीर्ष नहीं था, जैसा तंबू के दूसरे खंभों पर थे। उनका शीर्ष कटा था, जैसे हम यशायाह नबी की पुस्तक 53 अध्याय उसके 8 पद में पढ़ते हैं, अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवतों के बीच में से उठा लिया गया। मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। मित्रों, प्रभु यीशु मसीह शीघ्र ही जीवतों के मध्य में से उठा लिया गया। वह केवल 33 वर्ष की आयु तक ही संसार में जीवित था। अब पर्दा रंगीन बटी हुई सूक्ष्म सनी वाले कपड़े का बना था तथा महापवित्र स्थान तक जाने का केवल एक ही मार्ग था, पर्दा। पर्दा यीशु ख्रीष्ट के मनुष्यत्व का संकेत है। जब प्रभु यीशु ख्रीष्ट क्रूस पर थे, उन्होंने अपनी आत्मा को त्याग दिया। उनकी मृत्यु के समय यह पर्दा दो भागों में बट गया। यह प्रतीक है कि उसकी आत्मा उसके देह से निकल गई। जब मंदिर का पर्दा दो भागों में बट गया, तो इसका मतलब है कि परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंचने का मार्ग खुल गया। वर्तमान में परमेश्वर तक पहुंचने का केवल एक ही मार्ग है, वह है प्रभु यीशु मसीह, और उसी के द्वारा ही हम वहां तक पहुंच सकते हैं। महापवित्र स्थान तथा महापवित्र परमेश्वर तक पहुंचने का केवल एक ही द्वार है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 6 पद में यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। मित्रों, कुछ लोगों का विश्वास है कि यदि आप ईमानदार और अच्छे चर्च के विशेष सदस्य हैं तो परमेश्वर के पास आ सकते हैं। इस बात पर विश्वास मत कीजिए, क्योंकि यह विचार परमेश्वर के वचन के अनुकूल नहीं है। पर्दा कितनी अद्भुत तस्वीर है। यह प्रभु यीशु के मनुष्यत्व को प्रकट करती है।
मित्रों, यह प्रभु यीशु ख्रीष्ट की मृत्यु है जिससे हम बचते हैं। उसका निर्दोष जीवन हमें दोषी ठहराता है। जब मैं पर्दे के सामने खड़ा हूँ, मैं अपराधी हूँ। मुझे एहसास होता है कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति तक पहुँचने में असमर्थ हूँ। मत्तयी सुसमाचार 27 अध्याय उसके 50 और 51 में हम पढ़ते हैं कि तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए और देखो, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गया और धरती डोल गई, चट्टाने तड़क गई। पर्दे के फटने की तस्वीर यीशु ख्रीस्त की मृत्यु द्वारा परमेश्वर पिता तक पहुँचने को प्रकट करती है। और तब हम आगे देखते हैं एक और लटकाने वाली वस्तु। निर्गमन की पुस्तक 26 अध्याय उसके 36 और 37 पद में लिखा हुआ है, फिर तंबू के द्वार के लिए नीले, बैजनी और लाल रंग के और बटी हुई सूक्ष्म सनी वाले कपड़े का कढ़ाई का काम किया हुआ एक पर्दा बनवाना और इस पर्दे के लिए बबूल के 5 खंभे बनवाना और उनको सोने से मढ़वाना। उनकी कंटियाँ सोने की हो और उनके लिए पीतल की 5 कुर्सी ढलवा कर बनवाना। मित्रों, यह पर्दा पवित्र स्थान की ओर ले जाती है, उपासना का स्थान जहाँ स्वर्ण दीप दान, भेंट की रोटी की मेज, सुगंधित वेदी आदि हैं। मित्रों, अब हमें पुराने ढंग से परमेश्वर की आराधना नहीं करनी है, परंतु प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा प्रवेश करना है। हमें आत्मा और सच्चाई से आना है, जैसे कि यीशु ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुँच सकता है। यूहन्ना उसके 14 के 6 पद में हमने देखा था। दोनों पर्दे हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट पर प्रकाश डालते हैं और इस रीति से हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। मित्रों, यहाँ पर हमारा 26 अध्याय समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 27 से जारी रखेंगे और इस अध्याय में हम इन मुख्य विषयों पर चर्चा करेंगे, होम बलि की वेदी तथा बर्तन, निवास स्थान का आंगन और दीपदान का तेल। तो कृपया ध्यान दें कि हम तंबू से बाहर निवास स्थान के आंगन की ओर बढ़ते हैं और वहां का साज सामान पीतल का बना है, पीतल की वेदी और पीतल में सिंह की वेदी। मित्रों, याद रहे कि ये सभी सोने से मढ़े थे। जब आप परमेश्वर के निकट आते हैं तो यहां पर हम पाते हैं कि पुनः यीशु ख्रीस्ट के व्यक्तित्व पर जोर डाला गया है। आप जितना बाहर अधिक दूर चलते हैं वह ख्रीस्ट के कार्य पर दबाव देते हैं। हम आगे पाते हैं पीतल की वेदी। निर्गमन की पुस्तक उसके 27 अध्याय और उसके 1-3 पद में हम पढ़ते हैं, फिर वेदी को बबूल की लकड़ी की 5 हाथ लंबी और 5 हाथ चौड़ी बनवाना। वेदी चौकोर हो और उसकी ऊंचाई 3 हाथ की हो और उसके चारों कोनों पर 4 सिंह बनवाना। वे उस समेत एक ही टुकड़े के हो और उसे पीतल से मढ़वाना और उसकी राख उठाने का पात्र और फावड़िया और कटोरे और कांटे और अंगीठियां बनवाना, उसका कुल सामान पीतल का बनवाना। बाहर के आंगन की साज सज्जा का सामान पीतल का बना है जो पाप पर न्याय को प्रदर्शित करता है। मित्रों, पाप का प्रश्न बाहर आंगन में ही बिना पवित्र स्थान में प्रवेश के ही तय की जाती है, अर्थात उसका तय होना चाहिए। पवित्र स्थान का सारा साज सामान स्वर्ण का बना था और परमेश्वर के साथ संगति एक परमेश्वर की आराधना से जुड़ा है। पवित्र स्थान पाप रहित स्थान है। पाप का प्रश्न बाहर आंगन में निपटाया जा चुका है। मनुष्य बाहर आंगन में खड़ा है, वह कैसे ईश्वर से संपर्क करे? सबसे पहली बात है कि उसके पास एक विषय का होना जरूरी है। मानव परमेश्वर से भेंट टाल सकता है, परंतु यदि वह मरना नहीं चाहता है और परमेश्वर से मिलना ही है तो उसके पास एक विषय होना अति आवश्यक है। उस पीतल की वेदी पर उसके पक्ष में किसी को बलिदान होना अवश्य है। अक्सर इस वेदी को प्रभु की मेज कहकर हम पुकारते हैं तथा इसे होम बलि की वेदी भी कहा जाता है। यह वह स्थान है जहां परमेश्वर पापी से निपटता है। यह ख्रीस्ट के क्रूस को बतलाता है और वास्तव में यहां वह मनुष्य के लिए मरा, जैसा पौलुस ने इफिसियों के पत्री 5 अध्याय उसके 2 पद में भी कहा है, और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया है और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। मित्रों, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए सुखदायक सुगंध होम बलि होकर चढ़ा। वेदी का निर्माण मानव द्वारा किया गया है, परंतु उसका नमूना स्वर्ग से दिया गया। क्रूस परमेश्वर द्वारा चुनी गई बलिदान की वेदी है। परमेश्वर की पूर्ण मनसा और पूर्ण ज्ञान के अनुसार ही प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरे और छुटकारा प्रदान किया। अतः ख्रीस्ट एक भले आदमी की अपेक्षा कुछ अधिक भी हैं। वे संसार की उत्पत्ति से पहले ही वध किए हुए मेमने के सदृश हैं।
बिना पीतल की वेदी के परमेश्वर तक पहुंच पाना असंभव है। एक मेमने को बलिदान चढ़ाना तथा उसे अपना विषय बनाना अनिवार्य है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:29 में कहा गया है, देखो परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। मित्रों, यूहन्ना प्रेरित यहाँ मसीह के पीतल की वेदी पर बलिदान होने की चर्चा करते हैं। संसार के पापों के निमित्त क्रूस पर मसीह के बलिदान के पूर्व 3 घंटे का घोर अंधकार इसी ओर संकेत करता है। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:12 में पढ़ते हैं कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। मित्रों, बिना पीतल वेदी के समीप आए मानव परमेश्वर की प्रार्थना, आराधना और सेवा नहीं कर सकता है। प्रत्येक याजक लेविय इस पवित्र वेदी के निकट आते हैं। मित्रों, क्रूस का मार्ग ही हमें घर तक पहुंचाता है। यदि यीशु ख्रीस्ट अर्थात यीशु मसीह पीतल वेदी पर नहीं पहुंचते तो हम भी परमेश्वर तक पहुंचने में समर्थ नहीं होंगे। प्रभु यीशु मसीह केवल वध किए हुए मेमना ही नहीं वरन एक जीवित मेमना भी हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 5:6 में यूहन्ना लिखते हैं और कहते हैं, वध किया हुआ मेमना। तंबू के प्रवेश द्वार पर ही पीतल की वेदी थी और स्वर्ग के सामने भी ख्रीस्ट का क्रूस है। यह पृथ्वी पर जड़ा गया परंतु बिना क्रूस के स्वर्ग में प्रवेश नहीं हो सकता। पीतल से मढ़ी हुई वेदी न्याय के विषय बोलती है। बाबुल की लकड़ी पीतल से जड़ी उसके बलिदान और साहस का वर्णन करती है। ओह, ख्रीस्ट के क्रूस की कितनी सुंदर तस्वीर है। मित्रों, हम आगे देखते हैं निवास स्थान का आंगन। मित्रों, हम निर्गमन की पुस्तक 27:9-16 में पढ़ते हैं, लिखा है, फिर निवास के आंगन को बनवाना, उसकी दक्षिणी आंगन के लिए तो बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े के सब पर्दों को मिलाए कि उसकी लंबाई 100 हाथ की हो, एक अलंग पर तो इतना ही हो। 16 में हम पढ़ते हैं, और आंगन के द्वार के लिए एक पर्दा बनवाना जो नीले, बैजनी और लाल रंग के कपड़े और बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े का कामदार बना हुआ 20 हाथ का हो, उसके खंभे 4 और खाने भी 4 हो। मित्रों, निवास स्थान के पर्दों के रंग अपनी एक अलग कहानी का बयान करते हैं। नीला रंग आकाश का रंग है और ख्रीस्ट के स्वर्ग से आने को बताता है। लोहित लाल रंग ख्रीस्ट का मनुष्यत्व को दर्शाता है। बैजनी रंग लाल नीले रंग का मिश्रण एक राजकीय रंग है और ख्रीस्ट के राजा होने को प्रमाणित करता है। यह पर्दे निवास स्थान के आंगन में प्रवेश के द्वार पर लगे थे जिसमें से होकर पुरोहित एवं लेवी अंदर जाते थे। मित्रों, प्रवेश द्वार केवल 5 हाथ ऊंचा और उसके चारों ओर का बाड़ा 100 हाथ गुना 5 हाथ बनता था और चारों ओर को सफेद कपड़े से लपेटा गया था। मित्रों, हम आगे देखते हैं दीपक की देखरेख व तेल। मित्रों, इस अध्याय की समाप्ति अत्यंत रोचक है। उसमें दीपक में तेल का ब्यौरा दिया गया है और मालूम नहीं क्यों इस स्थान या विशेष पर ही इस विषय की चर्चा हुई है। हम निर्गमन 27:20 में पढ़ते हैं जहां पर लिखा है, फिर तो इसराइलियों को आज्ञा देना कि वे मेरे पास दीवट के लिए कूट के निकाला हुआ जलपाई का निर्मल तेल ले आना जिससे दीपक नित्य जलता रहे। मित्रों, तेल के संबंध में जैसा ज्ञात है कि वह परमेश्वर की पवित्र आत्मा के विषय संकेत करता है। जकरिया नबी दीपदान का वर्णन निम्न प्रकार से करते हैं। 4:6 लिखा है, न तो बल से और न शक्ति से परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा, मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। मित्रों, प्रकाश वह है जो पवित्र आत्मा प्रदान करता है। पवित्र आत्मा अपने लिए नहीं बोलता परंतु वह ख्रीस्ट की बातें लेकर उन्हें दर्शाता है। हम निर्गमन 27:21 में आगे पढ़ते हैं, लिखा है, मिलाप के तंबू में उस बीच वाले पर्दे से बाहर जो साक्षी पात्र के आगे होगा, हारून और उसके पुत्र दीवट सांझ से भोर तक यहोवा के सामने सजा कर रखें। यह विधि इसराइलियों की पीढ़ियों के लिए सदैव बनी रहेगी। मित्रों, दीप का संध्या से सवेरे तक जलना यीशु ख्रीस्ट के संबंध में है, परंतु अब सब कुछ बदल गया है। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पर चले गए हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 5:14 में हम पाते हैं, तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा है वह छिप नहीं सकता। आप और मैं अधिक प्रकाश नहीं दे सकते हैं, यह केवल परमेश्वर का आत्मा है जो हमें इस्तेमाल करता है। एक और चित्र हमें प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में मिलता है जहां यीशु मसीह दीवट के मध्य में विचरण करते हैं। वह इस संसार में साक्षी के लिए उसकी कलीसिया को जीवित और प्रकाशित किए हैं। प्रभु उनकी चर्चा करते हैं जो उसके अपने लोग हैं।
मित्रों, दो शब्द उस साज सज्जा सामान के विषय में भी कहना है जिनका वर्णन यहाँ नहीं मिलता है। एक तो सुगंधित होम वेदी है जिसका वर्णन निर्गमन 30 में मिलता है। यदि आपको परमेश्वर की आराधना करना है तो इस वेदी के पास से गुजरना होगा। एक और अहद जिसका वर्णन नहीं मिलता है, वह पीतल की धूप वेदी है। इसके द्वारा परमेश्वर की आराधना के लिए पवित्र किए जाते हैं। पीतल की वेदी के समक्ष आपने प्रभु यीशु ख्रीष्ट को ग्रहण किया है और सामने आप ईश्वर की आत्मा के द्वारा धोए और पवित्र किए गए हैं। अब आपको परमेश्वर की आराधना करने की अनुमति प्राप्त होती है। मित्रों, यह सच है कि जब तक आप अपने आप को पवित्र नहीं करते हैं, अर्थात प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं करते हैं, ये बहुत ही अनहोना है कि आप आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। इस अध्याय में हमने कुछ मुख्य विषयों को देखा है जो तंबू और पर्दे और वेदी के माध्यम से हमें बताया गया है कि हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह के लिए कितना महत्वपूर्ण है। यदि हम उस महापवित्र स्थान में पहुंचना चाहते हैं तो निश्चित रूप से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हमें वहां तक पहुंचना है, क्योंकि वही महापवित्र व्यक्ति है, वही परमेश्वर का पुत्र है जिसने मेरे लिए और आपके लिए अपने जीवन को क्रूस पर बलिदान कर दिया, उस लहू को बहा दिया ताकि हम उसके द्वारा से उद्धार को प्राप्त करें। जैसा हमने पढ़ा कि उसके मृत्यु के समय मंदिर का पर्दा दो हिस्सों में बट गया, अर्थात उसने मेरे लिए और आपके लिए मार्ग खोल दिए ताकि हम सीधे उसके पास जाकर अपने निवेदनों को रख सकें, उसकी आराधना उसकी उपासना कर सकें। मेरे मित्रों, यह मेरे लिए और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।